नॉलेज में भी ऐसी कोई मीटिंग नहीं है। क्या मतलब यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुलाकात नहीं हुई है दुबई में, आप ये कह रही? जी मेरी मेरे नॉलेज में ऐसी कोई मुलाकात नहीं है, ना पार्टी की तरफ से इसकी कोई इतलात मौजूद है। सो इसलिए इसको लेकिन मौलाना साहब के पास कोई मीडिया इतलात थी या क्या इतलात थी, वो आज शबाशी साहब ने उनके साथ मिलकर यकीनन तमाम अच्छा, मैं आपकी इजाजत से वो मेरी टीम पूछ रही है, हम आपकी तरफ से चला दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की दुबई में कोई मुलाकात नहीं हुई है, चला देंगे? जी मेरे मेरी बिल्कुल देखिए मेरी नॉलेज में ऐसी कोई मुलाकात नहीं है, ना मेरी पार्टी ने ऑफिशियली ऐसी कोई मुलाकात की खबर जारी की है पहली बात। दूसरी बात यह है कि शर्मिला फारूकी साहब मेरे साथ एक प्रोग्राम में तो कुछ दिन पहले मौजूद थी और उन्होंने भी कैटेगोरिकली इस बात को जो है वो अपनी पार्टी की तरफ से कहा कि उनकी पार्टी की भी कोई मुलाकात जो है वो हमारे साथ स्केड्यूल नहीं थी। सो मियां साहब दुबई में मौजूद थे और उनकी अपनी जो स्केड्यूल ये नया एंगल आया, ये पहले नहीं था, हुई नहीं है ऐसी कोई मुलाकात, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। ऐसा नहीं देखिए मंसूर, ऐसा नहीं है, जो भी मुलाकात जो ऑन रिकॉर्ड मुलाकात होती है उसकी मुलाकात की खबर जारी होती है, पीपल्स पार्टी की तरफ से जारी होती, हमारी तरफ से जारी होती। सो ऐसी कोई खबर जो है वो कहीं पर आपने नहीं देखी, मीडिया रिपोर्ट्स हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स जो है उनको तो फिर अब कोई जारी करने से रोक नहीं सकता। लेकिन मियां साहब की देखिए जो मुलाकातें हुई हैं मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर मुख्तलिफ लोगों से, कारोबारी लोगों से, अपनी पार्टी के लोगों से जो मुलाकातें हुई हैं उसको बाकायदा हमारा जो मीडिया ऑफिस है वो उसको शेयर करता रहा। सो इसके अंदर और अगर हुई भी हो तो इसमें कोई इतनी अचंभे वाली बात होनी नहीं चाहिए, बट ऐसी मुलाकात ऑन रिकॉर्ड। नाज़ बलोच साहिबा, क्या आपकी भी यही राय है जो असमा बुखारी साहिबा फरमा रही हैं कि हमारी तो ऑन द रिकॉर्ड की मुलाकात ही नहीं है, कैसी ये वो, या सॉरी एक्चुअली शी यूज़ द वर्ड मेरी नॉलेज के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी बिल्कुल अजमा दुरुस्त कह रही हैं कि कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है किसी भी, ना हमारी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, ना PMLN की तरफ से। बहरहाल जो मीडिया के लोगों के से हम जो बातें तवस्सुत से सुन रहे हैं, जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कयास आरई पे मबनी हैं, तो वो तो उस पर जितनी बात आप करना चाहते हैं आप भी बात कर लें, हम भी बात कर लेंगे मंसूर, लेकिन कोई ऑफिशियली कोई ऐसी चीज़ जो है ना कोई ना साहबा इससे मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। आप दोनों खवातीन मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन सिरे से उस मीटिंग को ही डिनाई कर देना कि ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं है, ऑफिशियल मीटिंग ही नहीं हुई। देखिए पार्टी लीडरशिप निजी तौर पे जो है अपने निजी विजिट पे, बिल्कुल जिस तरह अजमा कह रही हैं इस बात में कोई दो राय नहीं है कि निजी विजिट निजी दौरा बिल्कुल रहा है, लेकिन उसमें अगर किसी कोई मुलाकात ऑफिशियल टॉप लेवल पे अगर कोई मुलाकात हुई हो तो कोई चीज़ ऐसी तो देखिए ना, ऑफिशियली तो कोई चीज़ सामने आपको कोई ऑफिशियल आया हुआ होता, कोई ऐसी प्रेस रिलीज़ आई होती तो उस पर हम लोग बैठ कर डिस्कशन भी कर रहे होते, हम बात भी कर रहे होते। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये दो तीन दिन से जो है ना बहुत ज़्यादा ज़ोरों और से कोई और आप बात करें, कोई और चीजें डिस्कस करें, मुल्की मामलात के ऊपर आप सवाल पूछें, हम आपको जवाब देंगे। नहीं, मेरे लिए तो हैरानगी की बात है ना साहिबा, मेरे लिए हैरानगी की बात इस वजह से है, मैं एक मिनट में बता रहा हूं, मेरे लिए इसलिए कि आखिरी महीना आप लोगों का शुरू हो गया है, आखिरी महीना आईनी तौर पर अब आप लोगों का शुरू हो गया है, और उससे पहले मतलब इस किस्म की दराड़ आना, आपकी अपनी पार्टी के अंदर बड़ी दराड़े हैं इस वक्त, इंतजार हसन साहब के हवाले से, लतीफ खोसा साहब के हवाले से। बता दूं मंसूर, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि देखें PDM ऑलरेडी पार्लियामेंट में मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर रोज़ाना जब भी सेशन होता है, सेशन नहीं भी होता तो मुलाकातें तो हो रही होती हैं, तो अगर मुलाकातों के ऊपर हम बैठकर कोई चैमगोई करें तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उसकी कोई वजह क्या हो। देखिए ये तो मौलाना साहब को बताइए ना, ये तो मौलाना साहब ने किया है, मेरा तो कोई कसूर नहीं। अच्छा अगर नहीं तो वो देखिए, अगर देखिए ना, अब आप कह रहे थे अभी आपके इंट्रो में मैंने सुना कि जी कैपिटल से दूर हैं, और देखें बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी मसरूफियात जो है वो बहुत जो है ज़्यादा मसरूफियात हैं। आपको पता है कि जिस तरह इंटरनेशनली एक आइसोलेशन में धकेला गया था हुकूमत, पिछले 3.5 साल की हुकूमत ने जो इंटरनेशनल आइसोलेशन में धकेला था मुल्क को, उससे बाहर निकालने के लिए तेज़ी से एक साल में जिस कदर काम हुआ है, चाहे वो CPAC के हवाले